लोकसभा चुनाव के पहले जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के सौगात देने में जुटे हैं। इसी क्रम में राजधानी भोपाल के सूरजनगर के वार्ड नंबर 26 में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का लोकार्पण किया है। राजधानी भोपाल के सूरजनगर के वार्ड नंबर 26 में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का लोकार्पण दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक भगवान दास सबनानी ने किया है। इस संजीवनी केंद्र में आसपास के गांव और शहर के लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। टीबी, ब्लड प्रेशर जैसे अन्य रोगों का उपचार इस संजीवनी केंद्र में किया जाएगा। मरीजों के लिए अलग अलग बेड की सुविधा होने के साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में बाकी सारे सेक्टर में काम हो रहा है। हेल्थ के सेक्टर में भी पूरी गंभीरता के साथ जो काम हो रहा है, ये जो संजीवनी है, ये संजीवनी अस्पताल भी प्रारंभिक उपचार के लिए, इमरजेंसी उपचार के लिए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल संजीवनी जो सेवनिया गोंड में है, यहाँ पर उसका थोड़ा सा उन्नयन किया गया, विस्तार किया गया। यहाँ उन सब आने वाले मरीजों को प्राथमिक उपचार बेहतर मिल सके या बेहतर उनकी सेवा हो सके, और आवश्यकता लगती है तो सिविल अस्पताल के लिए, जिला अस्पताल के लिए हम उनको भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जितना तेज़ी के साथ माननीय मोदी जी के निर्देश पर हम सब लोग काम कर रहे हैं, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ की बाकी भी जो आवश्यकताएँ उसको पूरा करने का काम, और यहाँ के लोगों का बेहतर जीवन हो सके, उनको स्वास्थ्य लाभ अच्छा मिल सके, ये प्रयत्न किया जा रहा है। मुझे लगता है संजीवनी इसमें मील का पत्थर साबित होगी।